आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की हालत बेशक अच्छी ना हो, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का दिल जरूर रॉयल्स वाला है, और ये उन्होंने साबित भी कर दिया। अब आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो जब आप ये पूरी खबर देखेंगे तब आप भी यही कहेंगे। दरअसल इस समय देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। फिलहाल देश में स्वास्थ्य सेवाएं भी ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही। ऐसे में हर कोई अपनी तरफ से योगदान देने के लिए सामने आ रहा है। वही अब खबर यह है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने कोरोना से जंग में लड़ाई के लिए $1 मिलियन मतलब 7.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। तो देखा ना आपने, अब आप भी कह रहे होंगे कि राजस्थान का दिल सचमुच रॉयल। वही आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान का ही हुआ। पहले लियाम लिविंगस्टोन ने बायोबबल की थकान के चलते टीम से किनारा कर लिया, तो उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के ही गेंदबाज एंड्रयू टाई ने ये कहते हुए आईपीएल छोड़ दिया कि जब देश में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, तो ऐसे में फ्रेंचाइजी इतना पैसा कैसे खर्च कर सकती। उसके बाद से इस बहस ने तूल पकड़ लिया था कि आखिर क्यों आईपीएल फ्रेंचाइजी देश की इतनी बड़ी लड़ाई में अपना योगदान नहीं दे रही। लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स ने अपनी तरफ से योगदान देकर ये बता दिया है कि देश की हर लड़ाई में वो साथ खड़े थे। आपको बता दें, इससे पहले भी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई मूल के क्रिकेटर पैट कमिंस ने 37 लाख रुपए कोरोना से जंग में लड़ाई के लिए भारत को दिए। वही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा वक्त में भारत में आईपीएल के लिए कमेंट्री कर रहे ब्रेट ली ने भी 42 लाख रुपए का योगदान इस महामारी से जंग में लड़ाई के लिए दिया। विदेशी खिलाड़ियों के योगदान के बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ था और लोग मांग रहे थे कि भारतीय फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी आगे आएं और इस जंग में अपना सहयोग दें। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स पहली ऐसी फ्रेंचाइजी हो गई जिसने कोविड की इस जंग में अपना योगदान दिया। राजस्थान रॉयल्स ने ट्वीट करते हुए बताया कि कोविड से इस जंग में लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम प्रबंधन, मालिकों, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने मिलकर सोचा है और तत्काल प्रभाव से $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला लिया। ये मदद राजस्थान रॉयल्स फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के जरिए की जाएगी। इस दुख की घड़ी में राजस्थान टीम के साथ सभी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ भारत के साथ खड़े और आने वाले वक्त में हर परिस्थिति में देश का साथ देंगे। वहीं आपको क्या लगता, राजस्थान के इस कदम के बाद कोई और फ्रेंचाइजी मदद के लिए आगे आएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें स्पोर्ट्स आर के साथ।